हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड. टुडेज वी हैव गोइंग ऑन फोर्थ चैप्टर, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन. ओके, इन दिस चैप्टर्स सम ऑफ द पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्न, लाइक दैट मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100, 1000. ओके, देन लास्ट पीरियड आई गिव द क्लास वर्क, दिस क्विक असेसमेंट एंड द होमवर्क इज सेल्फ प्रैक्टिस फोर्थ सी. ओके, तो ये थ्री डिजिट मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे सॉल्व करने थे नोटबुक में. ओके, कॉपी एंड मल्टीप्लाई. तो आशा करता हूँ आपने इन सभी को सॉल्व किया होगा. उसके बाद आज हम न्यू पॉइंट, न्यू कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस. ओके, अभी इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपने ईजी तरीके से इसको सॉल्व किया होगा. तो तब भी मैं आपको यहाँ से कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताने वाला हूँ. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. ओके, चलिए फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट. ओके, और फर्स्ट में है 996 मल्टीप्लाई बाय 109. मैंने आपको टू मेथड्स बताए थे. ओके, उनमें से किसी भी मेथड का यूज आप यहाँ पे कर सकते हो. तो सबसे पहले हम वंस में जो 9 है उससे हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 9 6 54 कैरी 5. ओके, 9 9 81 प्लस 5 86 कैरी 8. 9 9 81 81 प्लस 8. ओके, 89. देन नेक्स्ट. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 0 है, तो आप सभी जगह पे 0 लिख सकते हो. ओके, करके देखने की कोई जरूरत नहीं है. जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज उसका आंसर 0 ही होता है. ओके, तो आप इस स्टेप को स्किप भी करोगे तो भी चलेगा. ओके, स्किप भी करेंगे तो भी 0 से हमारा कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है. तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, या फिर सभी जगह पे आप 0 0 दे सकते हो, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो. ओके, उसके बाद देखिए 1 के आगे 2 डिजिट है. ओके, जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे आपको 2 क्रॉस देने हैं. ओके, मतलब 2 0 देने हैं. और उसके बाद किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज जो नंबर होता है ऊपर, ओके, तो वही नंबर उसका आंसर होता है. ओके, जैसे 6 16 6 19 9 एंड 19 9. ओके, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. दैट इज 4 6 9 प्लस 6 15 1 कैरी 8 प्लस 1 9 प्लस 9 18 एंड 1 कैरी 9 प्लस 1 10. ओके, दैट इज 1,08,564. ये हुआ आपका आंसर. ओके, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कितने भी नंबर ना है. ओके, तो मैंने फर्स्ट सॉल्व करके बताया, अभी आप चेक कर सकते हो आपका आंसर और मेरा आंसर. उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फोर डिजिट वाला. ओके, 11 और 12 बताऊंगा. 11 नंबर देखिए 2940 मल्टीप्लाई बाय 318. ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए 800. ओके, सो 8 4 32 3 कैरी 8 9 72 प्लस 375 7 कैरी. ओके, देन 8 2 16. ओके, 8 2 16 प्लस 7. ओके, 16 प्लस 7 इज इक्वल 23. देन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया हम पहले 1 0 देते हैं. ओके, सॉल्व करते समय, और बाद में इसके आगे एक 1 डिजिट है इसलिए 1 0. ओके, सो 1 से अभी सभी को मल्टीप्लाई करें तो 1 0 0, मतलब यही नंबर आपको जैसे वैसे लिखना है. 1 0 0, 1 4 4, 1 9 9 एंड 1 2 2. ओके, तो इस तरीके से हमने लिख लिया. क्या लिखा है हमने? 1 0 0. ओके, 1 4 4, 1 9 9, 1 2 2. ओके, अभी 3 के आगे 2 0 है, मतलब 2 डिजिट है, सो 1 एंड 2. देन 3 0 0, 3 4 12. ओके, 1 कैरी 3 9 27 प्लस 1 28. 2 कैरी 3 2 6 प्लस 2 8. ओके, इसको ऐड कीजिए. ऐड करने के बाद देखिए 0 2 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 5 प्लस 9 14,
वन कैरी, टू प्लस टू फोर प्लस फाइव प्लस वन फाइव, फाइव प्लस एट थर्टीन, ओके देन एट प्लस वन नाइन, सो 9,34,920 तो ये हुआ उसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपने इन सभी को सॉल्व किया होगा, ओके उसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, ओके अब यहाँ पे देखिए अ बेकर बेक्स, ओके अ बेकर बेक्स 765 केक्स इन अ डे, ओके यानी एक दिन में एक जो बेकर है वो बेकर 765 बेक्स को बेक करता है, ओके मतलब केक्स जो है उनको बेक्स करता है। देन हाउ मेनी केक्स डज ही बेक इन अ नॉर्मल ईयर, ओके तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन अ नॉर्मल ईयर, सो नॉर्मल मीन्स सिंपल ईयर नॉट अ लीप ईयर, ओके सो नॉर्मल ईयर हैव 365 डेज, ओके सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में एक कम, ओके एक कम 365 में से, ओके उसके बाद देखिए 765 इन अ डे, तो एक सिंपल ईयर में दिन होते 365, ओके तो आपको क्या करना है सीधे सीधे 765 मल्टीप्लाई बाय 365, ओके 5 + 5 = 25, ओके 2 कैरी 5 × 6 = 30 प्लस 2 = 32, ओके 3 कैरी 7 × 5 = 35, 35 प्लस 3 38, ओके 38 देन क्रॉस 6 × 5 = 30, 3 कैरी 6 × 6 = 36 प्लस 3 = 39, 3 कैरी 6 × 7 = 42 प्लस 3 = 45, ओके 45 देन 1 and 2 0, ओके सो 3 × 5 = 15, 1 कैरी 3 × 6 = 18 प्लस 1 = 19, ओके 1 कैरी देन 3 × 7 = 21 प्लस 1 = 22, ओके 22 इन सबको क्या करना है आपको ऐड, सो 5 2 9 + 5 = 14, ओके 14 + 8 = 22, 2 कैरी 9 + 5 = 14 + 3 = 17, 18 and 19, ओके 1 कैरी 4 + 3 = 7 and 2 एज इट इज दैट इज 2,79,225, ओके देख सकते हो 2,79,225 यानी एक सिंपल ईयर में वो 2,79,225 केक्स को क्या करेगा बेक करेगा, ओके आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे जिस तरीके से जीरो दिए हैं, ओके उसके बाद कल एक मुझे मैसेज आया था कि इसके पहले का जो एग्जांपल से फोर्थ नंबर, ओके ये वाला, ओके फोर्थ नंबर कि अगर आपने सॉल्व किया है तो वेरी गुड, अगर सॉल्व नहीं किया है तो आप अभी ये देख सकते हो, ओके क्या दिया है देयर आर 275 बलून्स इन अ पैक, ओके एक पैक में 275 बलून्स है, हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन 2 dozen सच पैक्स, ओके हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन 2 dozen सच पैक्स, ओके 2 dozen बोला गया है तो 2 dozen आपको पता होना चाहिए, ओके 1 dozen जो होता है 1 dozen में 12 आइटम्स होते हैं, ओके 12 आइटम्स को हम 1 dozen बोलते हैं, जैसे हम केले अगर परचेस करने के लिए जाते हैं तो केले आपको किलो के भाव से नहीं मिलते, ओके केले जो होते हैं बनाना जो होता है वो आपको डजन से मिलता है, ओके यानी 1 dozen, 1/2 dozen, 2 dozen, 3 dozen, ओके 1.5 dozen इस तरीके से, मतलब डजन जब हम बोल रहे हैं तो डजन में 12 आइटम्स होते हैं, ओके अगर हम उसको बोलते हैं कि मुझे 1 dozen केले चाहिए तो वो आपको 12 केले देगा, ओके सो 1 dozen इज इक्वल 12, सो दैट इज द 2 dozen, सो 2 dozen इज इक्वल टू 12 + 12 इज इक्वल टू 24, ओके 12 + 12 = 24, सो 275 मल्टीप्लाई बाय 24, ओके 2 dozen, सो 275 मल्टीप्लाई बाय 24, ओके
देन 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 2 8 प्लस 3 11, ओके। देन 0 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15, ओके, 1 कैरी, एंड 2 2 4 प्लस 1 5, इसको ऐड कीजिए, 0 0, 5 प्लस 1 6 एंड 5 प्लस 1 6, 6600, ओके, 6600 इज योर आंसर। सो इन 2 डजन सच पैक्स, ओके, सो योर आंसर इज 6600। हाउ मेनी बलून्स? 6600 बलून्स, ओके, मतलब 275 जो पैक्स बने थे, इनमें आपको टोटल जो बलून्स है, टोटल बलून्स कितने होंगे? 6600, ओके, तो ये एक बताना था। उसके बाद ये देखिए, द रेंट पेएबल फॉर अ हॉस्टल रूम इज रुपीज 825 पर मंथ, ओके, हाउ मच रेंट इज पेड इन वन ईयर? वन ईयर कहा गया है, सो हाउ मेनी मंथ्स इन वन ईयर? सो 12 मंथ्स, ओके, बहुत ईजी है। हाउ 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो पर मंथ 825 रुपीज रेंट इन हॉस्टल रूम, ओके, सो 825 मल्टीप्लाई बाय वन ईयर, दैट इज द 12 मंथ्स, ओके, नॉट मल्टीप्लाई वन, ओके, दिस इज द 12 मंथ्स, ओके, एक मंथ का जो रेंट है वो है 825, सो पर मंथ, सो इन अ वन ईयर, तो वन ईयर का रेंट आपको निकालना है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ओके, सो 12 का टेबल आता है आपको, तो बेटर है 12 के टेबल से आप एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हो, या फिर आपको 2 स्टेप से जाना पड़ेगा, ओके, 12 5 60, ओके, 0 6 कैरी, 12 2 24, 24 प्लस 6 30, ओके, उसके बाद 3 कैरी, देन 12 8 जा, ओके, 12 8 जा 96, सो 96 एंड 3 99, सो टोटल इज 9900 रुपीज उसको रूम हॉस्टल का किराया देना पड़ेगा, ओके, okay? तो ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड रियल लाइफ सिचुएशंस में सेल्फ प्रैक्टिस है, ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 4th D, और टोटल 5 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, ओके, मैं एक एग्जांपल यहाँ से और एक सॉल्व करके देने वाला हूँ, उसके बाद 2 एग्जांपल आपको क्लास वर्क में सॉल्व करने हैं और 2 एग्जांपल आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, ठीक है, थीके? तो एक मैं पहला यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। वन नंबर देखिए, अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट कंटेन्स 235 कैलोरीज, ओके, मतलब चॉकलेट का जो स्मॉल बार होता है उस स्मॉल बार में 235 कैलोरीज होते हैं, ओके, देन हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 125 सच बार्स ऑफ चॉकलेट्स, ओके, तो 125 अगर चॉकलेट बार है तो 125 चॉकलेट बार में टोटल कितनी कैलोरीज होंगे, ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम तो वन अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट कंटेंट्स, ओके, वन बार में कितने है 235, ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 235 यहाँ पे लिख लिया, ओके, 235 लिख लिया हमने यहाँ पे, देन 235 मल्टीप्लाई बाय 125 सच पैक्स, ओके, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि टोटल कितने कैलोरीज वहां पे होते हैं, ओके, सो 5 5 20, 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17, ओके, 1 कैरी, देन 5 2 10 प्लस 1 11, ओके, 10, 2 5 10 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, ओके, देन 2 2 4 20, ओके, 1 के आगे 1 2 1 2, ओके, 1 5 5, देन 1 3 3 एंड 1 2 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल कैलोरीज कितने हैं, ओके, इसको प्लस करो, 5 7
7 plus 1 8, 8 plus 5 13, okay, 1 carry, 4 plus 1 5, okay, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, then 2, okay, 2 as it is, 2, so 29,375. 29,375 total calories in 125 packs. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 125 packs में total calories जो है वो है 29,375. ओके, ये और इतने calories आपको उस chocolate bar में मिलेंगे. ओके, तो बाकी दो जो example है आप इसको solve करके देखिए. ओके, सबसे पहले दो एग्जांपल्स आपको क्लास वर्क में सॉल्व करने हैं और दो एग्जांपल्स आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय, सी यू टुमारो.